अमेरिका में और यूरोप में जो लोग माइग्रेट होके जाते हैं वो पाकिस्तानी, एक तो अनपढ़ नहीं होते, पढ़े लिखे होते, दूसरा वो पुअर बैकग्राउंड से नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट फ्रॉम दी मतलब मिडिल क्लास अपर क्लास ये और ये। जॉब उसके जॉब बावजूद, हंटिंग क्लास अच्छा है, जॉब हंटर्स उसके बावजूद आपने अमेरिका में 80% इमरान्डूस कैसे पैदा किए, ये कौन से आप मतलब है, कौन सी गिद्दर सीढ़ी थी आपके पास जो आपने लगा दी जी। ये इस... बड़ा बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है और इसको समझने के लिए थोड़ी सी हमारी कल्चरल जो इमिग्रेशन का जो ट्रेंड्स थे उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ अमेरिका के अंदर जितने भी प्रो इमरान लोग हैं उनके अंदर ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग कराची के लोगों की डायरेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है जो के इन ही मौजूदा हुक्मरानों के हाथों से प्रोसिक्यूट हुए या मुल्क छोड़कर भागे, नंबर वन। ठीक है, नंबर वन। नंबर दो, अगर दूसरे दूसरा अमल क्या है कि बिटवीन 1970 और 2011 के दरमियान में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने एक अकलियती मजहबी जमात के नकली पेपर बना करके इमिग्रेशन ली। दो दो, ये बड़ा क्राउड है, इसको समझने की जरूरत है, ये अमेरिका में नहीं, ये लंदन में भी। और वो मेरा ख्याल है दिमाग जो है वो बहुत मेहनत कर रही है, उस यही कह रहे दिमाग हैं आप। में, उस दिमाग में उनके एक चीमा साहब हैं, उन्होंने एक किताब जो चंदे की बनाकर दी है जर्मन मॉनेटरी सिस्टम पर इमरान को, अगर वो आप लोग पढ़ लें और मरियम नवाज साहिबा तक ये किताब ले जाने की कोशिश की गई तो उन्होंने उठा के वो मारी, क्योंकि उसके अंदर राज था कि ये लोग $1 को $1 मिलियन कैसे बनाते हैं, मगर ये हमारी लीडरशिप ने ध्यान नहीं दिया। दो, ये दो तबके हो इसलिए गए वे फॉरवर्ड क्या है, मुस्लिम लीग नून को और बाकी पार्टीज को क्या करना चाहिए, सर, इनको घर जाना चाहिए, ये इसका मुकाबला नहीं कर सकते, कौन ये नून लीग और बाकी पार्टीज। आज उनको नून मैसेज मिला है, कल बाकी नून पार्टियों को, स्ट्रीट पावर वाली पार्टियों को, कल एक मौलाना की शहादत से इनको मैसेज मिल गया है बाहर के लोगों का। क्योंकि मैं मुझे वाशिंगटन से मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब अच्छे भले फैमिली मेंबर है, अच्छे भले वो मतलब है अकलमंद थे और पीटीआई के खिलाफ थे, और पिछले 1 साल में आपने उनको पीटीआई का सपोर्टर बना दिया, बना दिया। और तीसरी बात अल्लाह सुन की ले, कसम मतलब सॉरी तीसरी, मैं वो जरा हाँ, बैक हो, ये दो तबके मैंने पहले बताए कि ये जो जो पॉलिटिकल माइंड है पीटीआई का, ये कराची के वो लोग हैं जो प्रोसिक्यूट हुए इन्हीं हुक्मरानों के दौरों में, वो दोनों पंजाबी गवर्नमेंट में, पंजाबी और पंजाबी हैं और सियालकोट के हैं, वो क्योंकि उनकी भी मैं बात तरफ आते कर रहा हैं, हूँ बाबर साहब के इलाके के। उनकी जी तरफ भी आते हैं। तीसरा तबका जो है ये इमरान्डूस का जो यहाँ पर बड़ी, यानी मुस्लिम लीग के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर दे आर कन्वर्टिंग टू पीटीआई सपोर्ट, इसलिए कि मुस्लिम लीग जो है वो फैमिली डायनेस्टिकल रूल है, और नहीं उसमें खा वो फारूक खान, फैमिली फारूक का ऐसी जीव बात है। ना करें आप, बात पता नहीं सही किस कह रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं। नो मेरी नो बात नो सही कह नो रहे हैं ना, नहीं, मेरी बात बात नहीं आप सुने, नहीं गलत सुन बात नहीं सुने आप, ये देखें खान फारूक ऐसे नहीं है, ठीक सर, है बात ना। मेरी बात सुने है ना, नहीं मेरी बात आप जो सुने, है जी, चलें एक एक चलें नुकता ले ले, मेरा नुकता तो ले लेना पहले। ये तीसरा जो ये देखें, अगर वो रिलेटिव्स नहीं है, ये परसेप्शन कि ये पार्टी जो है ये सिर्फ रिश्तेदारों को नवाजती है, वो लोगों को मुतनफर करता है मजीद इन्वेस्टमेंट से, ये आपकी यस अकल में ये बात आ जानी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन हियर। ग्राउंड रियलिटी में तो चलो मियाँ साहब की सारी फैमिली हुकूमत में, एक आदमी भी ना हो, मगर यहाँ इन्होंने जो परसेप्शन डेवलप कर दी है वो आम पंजाबी को, इंडस्ट्रियल पंजाबी को इस तरफ आने नहीं देता। ये तीन तबके हो गए। आखिरी तबका जनाब इसके अंदर ऐसा है जिसके बारे में मैं ये बड़ी ओपनली मैं आज ये कह दूंगा कि पाकिस्तान की इंटरनेट का डेटा अगर आप जमा करें लोगों की प्राइवेट ब्राउजिंग का, उसके अंदर जो इखलाकी बेराह रवि और हम जिंस परस्ती का जो ट्रेंड है उसको हजारों लाखों की तादाद में जो नौजवान है वो कहते हैं ये आएगा तो फिर ये सारा कुछ इजी हो जाएगा, शर्म और हया का मामला खत्म होगा, Absolutely, इस I do agree पाकिस्तान with you को on लेने के this point. लिए Yes. हर ये बाहर का इमरान्डू जो है वो किसी न किसी इस तरह के मामले की वजह से इमरान का सपोर्टर भी है। और आखिरी बात इस बारे में कहता हूँ फारूक नसीम साहब, जितने भी ये बाहर के इमरान्डू हैं इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है कि इन्होंने वहां पर, इन्होंने रहना भी नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है
कि ये पाकिस्तान आगे जाता है या पीछे जाता है, इनको सिर्फ ये है कि हमारे प्लाटों पे कब्जा ना हो, हम एयरपोर्ट पे जाएं तो हमें से रिश्वत का मामला ना हो, पुरानी बातें जो लेके बैठे हुए हैं। मगर ये चार पांच अवामिल और इसके अंदर ये इमिग्रेशन का ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई कर देगा ये लोग कौन है। और ये जो पंजाब का जो चल रहा है एंटी जो पॉलिटिकल सेंटीमेंट है उसमें ये परसेप्शन सबसे बड़ा है कि ये लोग सिर्फ अपनी फैमिली को जगह देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते, ये परसेप्शन देते हैं। जी करण साहब क्या कहेंगे? मतलब बात ये है, फारूक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है।